सरकार चल रही है, इस सरकार ने इस प्रदेश को तबाह करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। साकर कारखाने बंद है, सहकारी बैंकें बंद हो गई है, कोऑपरेटिव मूवमेंट ठप पड़ा है, 3500 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, अरबों खरबों रुपए की योजना बनती है मगर किसान के खेत में एक बूंद पानी नहीं पहुंचता है, रुपए पूरे के पूरे नेताओं के घर में चले जाते हैं। 101 घोटाले इस सरकार ने किए और 11,88,000 करोड़ रुपए का गबन इस सरकार ने किया है। उनका अहंकार आसमान को छूगा। जनता के वोट से चुनकर आए हुए नेता आज जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी को, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आसपास में जाकर देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, हर जगह पे भाजपा के राज में 24 घंटा बिजली पहुंचने की शुरुआत हो गई। मित्रों, हर गांव में एम्बुलेंस, हर गांव में पढ़ाई लिखाई की सुविधा, हर गांव के अंदर कॉलेज तक की व्यवस्था का प्रावधान भी शुरू हुआ है। मगर महाराष्ट्र जो एक जमाने में सबसे ऊपर था, महाराष्ट्र जो एक जमाने में सबसे ऊपर देश में रहता था, हर क्षेत्र में रहता था, कृषि विकास का क्षेत्र हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट का क्षेत्र हो या औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, वो महाराष्ट्र आज नीचे तक पहुंच गया है और नेताओं का अहंकार आसमान पे पहुंच गया है। किसान के खेत में पानी पहुंचाने के पर वो व्यंग इतना गंदा करते हैं कि मैं माताओं बहनों के सामने वो व्यंग आपको कह भी नहीं सकता, इतना गंदा व्यंग। मैं व्यंग भी रिपीट नहीं कर सकता। मित्रों, आज मेरे पास समय कम है, बहुत बातें करनी थी, भारत सरकार की भी बात करनी थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात करनी थी और मोदी जी ने जो विकास यात्रा शुरू करी है वो विकास यात्रा की भी बात करनी थी, मगर दुर्भाग्य है कि समय कम है। मैं एक छोटी सी वार्ता आपको कहना चाहता हूं। एक गांव था, एक गांव था और गांव में एक महात्मा रहते थे। महात्मा के पास हर प्रकार के प्राणी आया करते थे, उसमें एक चूहा भी था। हेलो, तो वो महात्मा के पास हर प्रकार के प्राणी आते थे, चूहा भी आता था, बिल्ली भी आती थी, कुत्ता भी वहां बैठता था, शेर भी बैठता था। तो एक दिन चूहा महात्मा जी के पास चला आया और आने के बाद उसने कहा, महात्मा जी, ये बिल्ली मुझे खाए जा रही है, आप मुझे बताइए। महात्मा को चूहे की दया आ गई, उन्होंने हाथ में एक पानी लिया, अभिमंत्रित किया और चूहे पे डाल दिया, चूहा बिल्ली बन गया। बाद में कुत्ता बिल्ली पर लपका तो फिर से वो महात्मा की शरण में बिल्ली गई, कहा कि महात्मा जी, ये कुत्ता मुझे खाए जा रहा है, आप बचा लीजिए। तो महात्मा ने पानी फिर से डाला, बिल्ली कुत्ता बन गया। फिर कुत्ते पर शेर झपटा तो शेर भी पहुंचा, कुत्ता भी पहुंचा महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने पानी डाला, कुत्ता शेर बन गया और बाद में शेर बनने के बाद वो चूहा जो था उसने कहा, महात्मा जी, मुझे भूख लगी है, मैं आपको खा जाऊंगा।
जिन्होंने चूहे से शेर बनाया उसी को वो खाना चाहता था। तो तुरंत ही महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, खा जाओ भैया, मैं फिर से एक बार पानी छांटकर तुझे पवित्र कर दूं। तो उसने कहा, ठीक है महात्मा जी, मुझे पवित्र कर लीजिए, पाप तो मैं कर ही रहा हूं। तो महात्मा जी ने पानी छांटकर कहा, पुनरो मूषक भव, शेर चूहा बन गया, ये चूहे आपके वोट से शेर बनकर जनता को दुखी कर रहे हैं, इस मतदान में शेर को फिर से चूहा बनाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने करना है। ये अहंकारी भ्रष्टाचारी नेता महाराष्ट्र का कभी कल्याण नहीं कर सकते। 11,88,000 करोड़ का गबन किया है, ये 11,88,000 करोड़ में महाराष्ट्र के 5 साल की सरकार चल सकती है, 5 साल की सरकार। इतना पैसा खा गए और डकार भी नहीं आती, चौथी बार सत्ता में आने के सपने आ रहे हैं। मित्रों, यहां मैं आया हूं आपका साथ लेने के लिए। नरेंद्र भाई के हाथ में सात देश का शासन इस महाराष्ट्र की जनता ने सौंपा है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र देश में नंबर वन बने, और देश में नंबर वन बनाना है तो नरेंद्र भाई के अनुकूल सरकार यहां बनानी होगी। नरेंद्र भाई के साथ देश की विकास यात्रा में जुड़ जाए ऐसी सरकार बनानी होगी। किसानों के खेत में पानी पहुंचाए, बच्चों को शिक्षा दे, युवाओं को रोजगारी दे, महिलाओं को सुरक्षा दे, और उद्योग को निमंत्रित कर युवाओं को काम करने का मौका दे, ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 25 साल के बाद आप लोगों के भरोसे पर पहली बार 288 सीटों पर लड़ रही। हम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आशीर्वाद आप लोगों से मांगने के लिए आए। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देंगे? अगर पूर्ण बहुमत देना है तो इस मत क्षेत्र के अंदर कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। मुझे बताइए, कितने लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हाथ जरा ऊंचा करिए। जो लोग कमल के निशान पर बटन दबाना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। मैं फिर से एक बार आप लोगों का हृदय से एक क्षमा प्रार्थी हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग, हजारों हजारों की संख्या में यहां उपस्थित है, मैं दिल खोलकर आपसे बात नहीं कर पाया। आप हमारे प्रत्याशी को जिता दीजिए, विजय जुलूस के अंदर मैं निश्चित आऊंगा और आप लोगों के साथ घंटे घंटे तक बात करेंगे। भारत माता की जय।